हेलो स्टूडेंट्स, विल डिस्कस टुडे सम ट्रिकी प्रॉब्लम्स ऑफ द नेस्ट इक्वेशन। थोड़ा ध्यान से देखें इनको और इस तरह की प्रॉब्लम्स फिर और ट्राई करें। मैंने दो प्रॉब्लम्स तो बोर्ड पर लिखी हैं, सेलेक्ट की हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में आप देखें क्या कह रहा है। ए वोल्टेइक सेल इज सेटअप एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑलमोस्ट हम 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन ही मानकर चलते हैं। सो इट इज़ बीइंग गिवन विद हाफ सेल एल्युमिनियम आयन कंसनट्रेशन इज गिवन 0.001 मोलर एंड निकल आयन कंसनट्रेशन इज गिवन 0.50 मोलर। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब आपको करना क्या है, इसके लिए एक तो रिएक्शन लिखनी है, इक्वेशंस बनानी है। दैट ऑकर्स व्हेन द सेल जनरेट्स द इलेक्ट्रिक करंट। अब इस लाइन को समझें, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट ऑकर्स व्हेन द सेल जनरेट्स द इलेक्ट्रिक करंट। अब सेल जो है इलेक्ट्रिक करंट तब प्रोड्यूस करता है जब उसका ईएमएफ पॉजिटिव हो, यानी इसका ईएमएफ पॉजिटिव आना चाहिए। एंड डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल गिवन स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल इज गिवन -0.25 वोल्ट एंड ऑफ द एल्यूमिनियम आयन स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज -1.66 वोल्ट। देखिए, अगर इस न्यूमेरिकल में स्टैंडर्ड कंडीशंस होती या कंसंट्रेशंस बदली भी ना होती तो मैं इन वैल्यूज़ को देखकर ये पता लगा सकता था कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा। जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो कैथोड का काम करता है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है वो एनोड बन जाता है। लेकिन ऐसी गलती कभी भी नेस्ट इक्वेशन के साथ ना करें। इन स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को देखकर हम ये आइडिया कभी भी ना लगाएं कि कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा, क्योंकि जब कंसंट्रेशंस बदली हुई हैं तो इनके रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स भी चेंज होंगे और हो सकता है जो हमें कैथोड लग रहा है वो एनोड का काम करे और जो एनोड लग रहा है वो कैथोड का काम करे। बदल भी सकती है सिचुएशन, इसलिए इस तरह के, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में हमें क्लियरली कुछ बताया नहीं गया है कि आउट ऑफ एल्यूमिनियम एंड निकल विच इज एक्टिंग एज एनोड एंड विच इज एक्टिंग एज कैथोड, तो मैं सेपरेटली इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा। पहले मैं नेस्ट इक्वेशन लिखूंगा एल्यूमिनियम आयन्स के लिए। जब एल्यूमिनियम आयन्स 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो एल्यूमिनियम सॉलिड बनाएगा। अब इसके लिए नेस्ट इक्वेशन बनेगी ई ऑफ द एल्यूमिनियम इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द एल्यूमिनियम -0.0591 डिवाइड बाय 3 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड दैट इज 1 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन। जो बदली हुई कंसंट्रेशन है एल्यूमिनियम की वो यहां आ जाएगी, यानी ई ऑफ द एल्यूमिनियम इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है -1.66 वोल्ट -0.0591 डिवाइड बाय 3 लॉग 1 डिवाइड बाय एल्यूमिनियम के आयन्स की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.001 मोलर। अब यहां पर ई ऑफ द एल्यूमिनियम आ जाएगा 1.66 माइनस का है और -0.0591 डिवाइड बाय 3 लॉग 1000 डिवाइड बाय 1। लॉग 1000 3 के बराबर हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एल्यूमिनियम के आयन्स का जो
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस 1.66 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लॉग 1000 इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब जुड़ करके आंसर कितना आएगा इसका, एल्यूमिनियम आयंस ओब्लिक एल्यूमिनियम माइनस, माइनस के 1.66 है और माइनस के 0.0591 माइनस का आएगा 1.7191 वोल्ट। ये मैंने एल्यूमिनियम के लिए निकाल लिया। सेम ट्रीटमेंट अब मैं निकल के लिए करूँगा। हमारे पास जो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है वो हम नोट कर लेते हैं। ई ऑफ द एल्यूमिनियम ओब्लिक एल्यूमिनियम इज इक्वल टू माइनस 1.7191 वोल्ट। अब हम यही काम निकल के लिए भी करेंगे। निकल का जो आयन है वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और निकल सॉलिड बनाएगा। इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी ई ऑफ द निकल आयन इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द निकल आयन माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2, एन की वैल्यू 2 है यहाँ पर, लॉग 1 बाय निकल आयन कंसंट्रेशन मीन्स 0.50। ये अब हमारे पास आ जाएगा, ई नॉट ऑफ द निकल इज गिवन माइनस 0.25 वोल्ट, माइनस 0.0295 लॉग 5, यहाँ पे ये 100 आ जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास लॉग 0.5 ऊपर चला जाएगा। इसको जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से हम हटा भी सकते हैं। 10 बाई 5। अब 5 2 10 तो ये हमारे पास आ जाएगा E ऑफ द निकल आयन ओब्लिक निकल इज इक्वल टू माइनस के 0.25 वोल्ट माइनस, ये इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा, 0.0591, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के 0.25 माइनस के 0.0591 1903 माइनस। तो ई ऑफ द निकल वो आ जाएगा हमारे पास माइनस के 0.3091। अब दोनों इलेक्ट्रोड के रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाल लिए हैं, तो ई ऑफ द सेल बराबर होता है ई ऑफ द रिडक्शन हाफ सेल माइनस ई ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब इन वैल्यूज को कंपेयर करते हुए, ये निकल के लिए है और ये एल्युमिनियम के लिए है, हम पता लगा सकते हैं ये वैल्यू मैथमेटिकली ज़्यादा है तो निकल पर रिडक्शन होगा अर्थात वो कैथोड का काम करेगा। तो ई ऑफ द सेल बराबर है माइनस 0.3091 माइनस माइनस 1.7191, ये प्लस हो जाएगा, तो ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.7191 माइनस 0.3091, ये माइनस करके
और वोल्ट में आंसर आप निकाल सकते हैं। अब इसमें कहा है राइट एन इक्वेशन, ये तो हमने सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया है, डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल। अब हमें इसके लिए इक्वेशन भी लिखनी है, ये ध्यान में रखते हुए कि निकल के इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन का काम हुआ है तो एल्यूमिनियम एनोड का काम करेगा। एल्यूमिनियम प्लस 3, 3 इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेगा। निकल का प्लस 2 चार्ज आयन अगर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो निकल सॉलिड बनाएगा। अब इसका मतलब ये हो गया एल्यूमिनियम सॉलिड। लेकिन यहाँ पर एक बात देखें कि n की वैल्यूज अलग अलग हैं, इनको इक्वलाइज करना ज़रूरी है, तो यहाँ इसको 2 से और यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 आ जाएगा और हमारे पास यह एल्यूमिनियम आ जाएगा 2, निकल के आयन बनेंगे 3, कम्स आउट टू बी 2 एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 निकल सॉलिड। ये सेल इक्वेशन बन गई। अब इसके लिए अगर नस्ट इक्वेशंस डायरेक्ट लिखना हो, ये तरीका बहुत ज़रूरी है कि कोई भी नस्ट इक्वेशन आप लिखें सीधा, ये तो मैंने अलग अलग इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैलकुलेट करके न्यूमेरिकल सोल्व किया, अगर मैं इसकी सहायता से सीधा न्यूमेरिकल निकालना चाहूँ तो ई ऑफ द सेल बराबर है E नोट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n। अब n की वैल्यू यहां 6 आएगी। लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम के आयंस की कंसंट्रेशन है और उसका स्टीक्योमेट्री कोफिशियंट 2 है, वो पावर बनेगा। सॉलिड निकल है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो 1 होता है। रिएक्टेंट की साइड में देखें तो निकल के ऊपर प्लस 2 चार्ज आयन है तो यहाँ पर निकल के आयन्स की कंसंट्रेशन आएगी और इसका जो स्टीक्योमेट्री कोफिशियंट है वो यहाँ आएगा। आप सीधे इससे भी ये न्यूमेरिकल का आंसर निकाल के देखें, इतना ही आएगा। पहले मैं ऐसा नहीं कर सकता था, इसके बारे में सोचे ज़रूर कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पहले मुझे ऐसा कोई क्लू नहीं दिया हुआ था कि एल्यूमिनियम यहाँ एनोड का काम करेगा और निकल यहाँ कैथोड। दैट्स वाई आई सेलेक्टेड दिस न्यूमेरिकल। तो कभी भी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को देखकर ये आइडिया ना लगाएं कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड बनेगा और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा। हाँ, अगर रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, साल्ट ब्रिज है, उसके पहले जो लिखा है वह एनोड है, साल्ट ब्रिज के बाद जो है वो कैथोड है, फिर आप सीधा नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन इस न्यूमेरिकल में क्योंकि हमें ये नहीं बताया हुआ था कि बदली हुई कंसंट्रेशंस पे विच इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज एनोड एंड विच वन इज एक्टिंग एज कैथोड, तो मैंने अलग अलग इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैलकुलेट किए और उनको कंपेयर करके पता लगाया कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा। ऑब्वियस जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड का काम करेगा और जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वो एनोड का काम करेगा, और उनको यूज करते हुए मैंने ईएमएफ सेल का निकाल लिया और फिर मैंने सेल रिएक्शन लिखा। सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या है, कैलकुलेट द ईएमएफ फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग सेल। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन दी हुई है जिसमें क्लियर कट ये कहा हुआ है कि आयरन इज एक्टिंग एज एनोड, तो मैं सीधे लिख सकता हूं कि आयरन विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड एच आयंस विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स। और ये अगर दो एच आयंस होंगे
तो दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो H2 गैस बनकर तैयार होगी। दिस इज गैस, ये ज़रूर लिख लें, क्योंकि गैस अगर है तो उसका प्रेशर आपको नेक्स्ट इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। Fe सॉलिड है, प्लस 2 एच आयंस हैं, Fe आयंस बन गए हैं और हाइड्रोजन गैस बन गई है। अब इसको देख करके आप नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय N log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन माने Fe प्लस 2 चार्ज आयंस इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एज वेल, यू हैव टू मार्क हियर। प्रोडक्ट में है तो ऊपर आएगा, और कोई गैस अगर रिएक्टेंट में है तो उसका पार्शियल प्रेशर नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है। सॉलिड को लिखने की जरूरत नहीं है, एच आयंस की कंसंट्रेशन है और उसका स्टीक्योमेट्रिक कोफिशियंट पावर। एन की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर लॉस्ट और गेन, क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं, 2 ही है, और अगर ये बराबर ना हो, एक जगह 3 हो एक जगह 2 हो, जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल में था, तो 2 3 6 एन की वैल्यू 6 आएगी। एक के लिए 1 है, एक के लिए 4 है, 4 1 जा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अब ई एम एफ ऑफ द सेल वो हम निकालेंगे इसकी जगह से। ई नोट ऑफ द आयरन इज गिवन, ई नोट ऑफ एच आई एन इज गिवन, तो यहाँ पर ई नोट ऑफ द सेल अलग से निकाल लें, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। यहाँ पर कैथोड का काम हाइड्रोजन कर रहा है जिसकी वैल्यू 0.0 वोल्ट है, और माइनस के 0.44 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.44 वोल्ट, तो ईएमएफ आ जाएगा आपका 0.44 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Fe प्लस चार्ज्ड आयन विच इज गिवन 0.001 इनटू, अब हाइड्रोजन गैस भी है और उसका प्रेशर लकीली यहाँ 1 bar दिया हुआ है, हम एज इट इज 1 bar लिख लेंगे और 1 bar मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एच आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.01, लेकिन उसकी पावर 2 आएगा। बस अब आप इसको सोल्व करके और ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा ये कहना है कि जब भी कोई रिप्रेजेंटेशन दी हुई हो, डायरेक्ट नेक्स्ट इक्वेशन कभी भी ना लिखें। नेक्स्ट इक्वेशन को देख करके जो रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिप्रेजेंटेशन को देख कर जस्ट राइट द वर्किंग ऑफ द सेल, विच वन इज एक्टिंग एज एनोड, विच वन एक्टिंग एज कैथोड, मेक बैलेंस द वैल्यू ऑफ एन एंड राइट द नेक्स्ट इक्वेशन by using E of the cell is equal to E naught of the cell minus 0.0591 by N log concentration of products divided by concentration of reactant। एक बात और डिस्कस करनी है नेक्स्ट इक्वेशन के साथ ही, कि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो वह काम तब करता है जब दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स में डिफरेंस हो। एक तरफ हम जिंक सल्फेट में जिंक रोड को डिप करते हैं, दूसरी तरफ हम कॉपर रोड को डिप करते हैं कॉपर सल्फेट में, और दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं, तो वो सेल काम करने लग जाता है अगर हम उसका इनर सर्किट इंटरनल सर्किट भी कंप्लीट कर दें बाय यूजिंग साल्ट ब्रिज। लेकिन अगर मैं जिंक रोड को जिंक सल्फेट में डिप करूं, दूसरी तरफ भी जिंक रोड को जिंक सल्फेट में डिप करूं और दोनों को कनेक्ट कर दूं, सर्किट को कंप्लीट कर दूं, तो क्या वह सेल काम करेगा? काम नहीं करेगा,
अगर उन जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन अगर दोनों जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, तो निश्चित तौर से वह काम करेगा। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं एक तरफ ये पार्टीशन मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ पोरस, दूसरी तरफ भी जिंक सल्फेट, पहली तरफ भी जिंक सल्फेट, जिंक रोड को हम यहाँ डिप कर रहे हैं, दूसरी तरफ भी जिंक सल्फेट है, और इसको हम साल्ट, ये तो पोरस पोटी लिया हुआ है, साल्ट ब्रिज की जरूरत ही नहीं है। अब हमने यहाँ पर जिंक सल्फेट लिया है और ये जिंक की ही रोड है, यहाँ भी हमने जिंक सल्फेट लिया है और ये भी जिंक रोड है। इस जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन सपोज करें C1 है और इसकी कंसंट्रेशन C2 है, और मैं आपको कंडीशन जो बता रहा हूँ उसमें ऐसा है कि C2 इज ग्रेटर देन C1। इन दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग हैं तो ये सेल काम करेगा। इस तरह के सेल को कंसंट्रेशन सेल्स कहते हैं। इनके लिए नेक्स्ट इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, ध्यान से देखें। जब मैंने कहा है C2 इज ग्रेटर देन C1, तो जिस साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है वह कैथोड का काम करेगा, और जिस तरफ कंसंट्रेशन कम है वह एनोड का काम करेगा। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इस जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन C2 है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू C1, सो दिस विल एक्ट एज कैथोड। यानी ये वाले जिंक आयन्स जिनकी कंसंट्रेशन C2 है इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, जबकि ये वाले जिंक रोड जो है जहाँ वो डिप किया गया है C1 में, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यानी जिंक आयन बनाएगा और ये कंसंट्रेशन C1 लेना है एनोड की तरह, और जो कैथोड है जो ज़्यादा कंसंट्रेशन है जिंक आयन और ये कंसंट्रेशन C2 है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कैथोड का काम करेगा और जिंक सॉलिड बनाएगा। दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ जिंक आयन्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन C2 है प्लस जिंक सॉलिड है, और ये जिंक सॉलिड से जिंक सॉलिड तो कैंसिल भी हो जाएगा वैसे, और ये बन जाएगा आपका जिंक आयन्स जिसकी कंसंट्रेशन जिंक C1 है। अब हम इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, तो ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज जिंक आयन कंसंट्रेशन, लेकिन कौन से वाली C1, मैं सीधा ही C1 लिख देता हूँ, लोअर कंसंट्रेशन मेरे कहने का मतलब, और डिवाइड बाय C2 दैट इज हायर कंसंट्रेशन। और देखिए ई नॉट ऑफ द सेल क्या आएगा, अब ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ द एनोड, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ई नॉट ऑफ द सेल जो है वो जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ C1 डिवाइड बाय C2। अब ये माइनस है, मैं अगर इसको प्लस कर दूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग कंसंट्रेशन C2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन C1। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन सेल्स के लिए ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग हायर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि हायर हमने माइनस का प्लस कर दिया ना यहाँ, तो C1 नीचे आ जाएगा, C2 ऊपर चला जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन बन गई नेक्स्ट इक्वेशन फॉर कंसंट्रेशन सेल्स। बच्चों यहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं नेक्स्ट इक्वेशन में, आप करते जाएंगे आपको मज़ा आता जाएगा, आंसर मिलते जाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका बनता जाएगा।
फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, यू कैन डिस्कस इट विद मी विद माई पर्सनल नंबर, कीप इट अप, करते रहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़रूर ज़रूर इसको जितने न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं इसको करें। थैंक यू।